नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस प्रेस वीडियो में। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आज भारत के सराफा बाजार में सोने व चांदी के दाम में क्या बदलाव देखने को मिला है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार भारतीय सराफा बाजार में सोने का दाम। और इसी के साथ में दोस्तों आपको बता दें कि चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली है और इस गिरावट के बाद में आज का क्या भाव हो गया, आइए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करने के साथ में नीचे दिया गया सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए तो सबसे पहले बात करते है चांदी के दाम की। तो चांदी के दाम में आज गिरावट देखने को मिली है और इस गिरावट के बाद में चांदी का दाम कुछ इस प्रकार से है। प्रति एक ग्राम का 61.60 रुपए, प्रति 8 ग्राम का 492.80 रुपए, प्रति 10 ग्राम का 616 रुपए, प्रति 100 ग्राम का 6160 रुपए और प्रति किलोग्राम के अनुसार 61,600 रुपए पर चांदी का आज का दाम हो चुका है। आज चांदी के दाम में 300 रुपए की गिरावट देखने को मिली है प्रति किलोग्राम के अनुसार। कल चांदी का दाम 61,900 रुपए था, जिसमें 300 रुपए की गिरावट के बाद में आज 61,600 रुपए पर चांदी का दाम पहुंच चुका है। आइए तो बात करते हैं आज के सोने के दाम की। सोने के दाम में सबसे पहले बात की जाए अगर 18 कैरेट के अनुसार सोने का दाम, तो प्रति 10 ग्राम के अनुसार 36,810 रुपए पर 18 यानी कि 18 कैरेट सोने का दाम हो चुका है। अगर आप चाहे तो 18 कैरेट सोने की ज्वेलरी बनवा सकते हैं। 22 और 24 कैरेट की तुलना में 18 कैरेट का जो सोना होता है उसमें सोने की मात्रा भी कम होती है और वो थोड़ा सस्ता भी होता है। चलिए तो वहीं बात करें 22 कैरेट के अनुसार सोने का दाम, तो 1 ग्राम के अनुसार 4,589 रुपए, प्रति 8 ग्राम का 36,712 रुपए, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 45,890 रुपए, प्रति 100 ग्राम का 4,58,900 रुपए 22 कैरेट सोने का आज का दाम हो चुका है। वही बात करें 24 कैरेट प्योर सोने के दाम की, तो 1 ग्राम का 4,908 रुपए, प्रति 8 ग्राम का 39,264 रुपए, प्रति 10 ग्राम का 49,080 रुपए और प्रति 100 ग्राम का 4,90,800 रुपए 24 कैरेट सोने का आज का दाम हो चुका है। तो दोस्तों ये थे आज के सोने और चांदी के ताजा दाम। इसी के साथ में आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद कौन सी नदी पर स्थित है, और इसका विकल्प है गंगा, सोन, नर्मदा या ब्रह्मपुत्र। आपको इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताना है और उसके बाद में इस वीडियो को लाइक करना है। जो भी इसका सही जवाब देंगे उनके नाम रैंडमली यहाँ पर प्रकाशित किए जाएंगे।